अंजुमन तुलबा इस्लाम ATI के ज़ेर एहतमाम रोशन पाकिस्तान कन्वेंशन का इनेकाद मेहरान आर्ट्स काउंसिल में किया गया। कन्वेंशन में निज़ाम मुस्तफ़ा पार्टी के सरबरा और साबिक वफाकी वजीर हाजी हनीफ तैयब ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक खत्म नबूवत में अंजुमन तुलबा इस्लाम ने बुनियादी किरदार अदा किया था। इस तहरीक में पहली गिरफ्तारी ATI के हाफिज तकी शहीद और आखिरी मेरी थी, जिसके बाद असम्बली में कादियानियों को काफिर करार देने का बिल पेश किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि कौमी असम्बली में पहले तौहीन रिसालत की सज़ा उम्र कैद रखी गई थी, मगर ATI से तरबियत पाने वाले 6 अरकान असम्बली ने इसको सजाए मौत करवाने में कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में हर पेट्रोल पंप पर मस्जिद, वॉशरूम और वजूखाना की तामीर लाजमी है और इसका एजाज़ उन्हें इस वक्त हासिल हुआ जब वो वफाकी वजीर थे। अंजुमन तलबा इस्लाम के मरकजी सदर आजम रांझा ने कहा कि जब पाकिस्तान कायम हुआ तो मुल्क में अहले सुन्नत की आबादी 80% थी। ये मुल्क सुन्नी स्टेट है, मगर मजारात से हासिल होने वाली आमदनी का मामूली हिस्सा भी अहले सुन्नत पर खर्च नहीं किया जाता। ATI गैर सियासी तलबा तंजीम है और कोई भी इसे सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आज के दौर में उल्मा बड़े बड़े इज्तम तो करते हैं, मगर उनके पास ना कोई एजेंडा होता है और ना चार्टर ऑफ डिमांड, जिसकी वजह से अहले सुन्नत को उन एहतजाजों का कोई फायदा नहीं पहुंचता। हमें अंदाज बदलना होगा, आज का तालिब इल्म जदीद हो गया है, अब वो उल्मा से सवाल करता है। जमीत उल्मा पाकिस्तान के सरबरा डॉक्टर साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जज्बा तालीमी इदारों में दोबारा पैदा किया जाए। इस वक्त यूनिवर्सिटियों में फहाशी और उरियानी को फरोग दिया जा रहा है। मुकामे मुस्तफ़ा के तहफ़ के लिए सबको मुतहद होना पड़ेगा। ATI के साबिकीन बड़ी ताकत हैं, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया जाए। अहले सुन्नत को पहले भी मुतहद ATI ने किया था, अब भी उसे इस मकसद के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। एक ऑर्डिनेंस के जरिए हुकूमत मदारिस पर कब्जे की साजिश कर रही है। ATI के साबिक मरकजी सदर हमजा मुस्तफाई ने कहा कि इस वक्त ATI के कारकुन मुख्तलिफ सियासी जमातों में काम कर रहे हैं, वो वफाकी और सूबाई वजीर भी हैं, मगर उन सबका महवर मकसद इश्क मुस्तफ़ा है। डॉक्टर खुशी मोहम्मद खिजरी ने कहा कि ATI के कारकुन और साबिक माशरे को बदलने के लिए इनकलाब लाएंगे और ये कारकुन मुल्क के हर शहर में मौजूद हैं। कन्वेंशन से साबिक रुकन कौमी असम्बली इस्मान खान नूरी, पाकिस्तान फला पार्टी के रहनुमा रमजान मुगल, असलम नूरी, हाजी गुलचन इलाही, डॉक्टर शाह अंजुम बुखारी, मतीन अवैस मुस्तफाई, मिंटू अब्दुल रहमान, मुबशर हुसैन हुसैनी और दीगर ने भी खिताब किया। कन्वेंशन में ATI के साबिकीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि मुईन खान हैदराबाद न्यूज़ के चेयरमैन सैयद बरकात अहमद रिजवी, सईद यूसुफी, पीर सैयद नूर मोहम्मद शाह, हाफिज़ मकसूद अहमद गोलड़वी, कारी शरीफ, प्रोफेसर सईद अंजुम, प्रोफेसर लियाकत जाफरी, साबिर फयाज, यामीन हाशमी, सलीम अख्तर गौरी, रईस अहमद शाहीन, शहजाद भट और दीगर भी खुसूसी शरीक हुए। आज के इस रोशन पाकिस्तान कन्वेंशन में शिरकत करके बड़ी खुशी हुई। बहुत सारे पुराने दोस्त 20-25-30 साल के वक्फे के बाद मिले हैं। अल्लाह ताला इन सब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। इनमें से जो लोग खिदमत खल्क करना चाहते हैं उनको मैं अलमुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी में शिरकत की दावत देता हूं, ताकि इंसानियत की खिदमत हो सके। कन्वेंशन बड़ा अच्छा था और इंशाल्लाह बहुत अच्छे नेक इरादे के साथ ये लोग वापस जा रहे हैं, अपने अपने इलाकों में काम करेंगे और मकामी अंजुमन तलबा इस्लाम की शाख को मजबूत करेंगे, और नहीं होगी तो अंजुमन तलबा इस्लाम को वो कायम करेंगे। बाकी औरत मार्च के मौके पर जो गुस्ताखियाँ इस्लाम के ख़िलाफ़, इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़, उम्महातुल मोमिनीन के ख़िलाफ़, बिलखुसूस उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के ख़िलाफ़ की गई, उसकी मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ। हुकूमत ने कहा था कि हमने इसकी परमिशन नहीं दी, तो परमिशन नहीं दी तो ये प्रोग्राम कैसे हुआ और हुकूमत ने इसको रोकने के लिए क्या एक्शन लिया, कौन सी FIR कटी और कौन कौन सी दफात के तहत कटी, ये वो तमाम सवालात हैं जिसका जवाब हुकूमत को देना है। बहरहाल अवाम बेदार हो चुके हैं। अब इस किस्म का कोई मार्च हुआ जिसमें इस्लाम की हस्तियों के ख़िलाफ़ कोई लब कुशाई की गई, तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन शमे रिसालत के परवाने नबी से अपनी ग़ुलामी का हक अदा करेंगे।